लगता है क्योंकि गौतम गंभीर भी कह रहे थे उनके अल्फाज से कि रिजवान शुड बी क्रिटिसाइज कि उन्होंने बहुत स्लो खेला। शुएब अख्तर का भी ट्वीट में देखा हूँ कि रिजवान 50 और 50 इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर डज नॉट बेनिफिट पाकिस्तान। तो क्या अबाउट रिजवान? ये उनकी सोच है, उनको देखें, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना वो बाहर से चीज़ों को देखते हैं और उसके ऊपर वो बात कर देते हैं, और होता क्या है जब रिजल्ट आ जाता है स्कोर कार्ड देखते हैं और स्कोर कार्ड को सामने रखते हुए वो कमेंट्स दे देते हैं। हाँ, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, खिलाड़ियों के दिमाग में क्या चल रहा है, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, उनकी फीलिंग्स क्या है, कौन कितनी इंजरी में निगल्स में है, आसिफ का हाथ फटा है उसकी चार टांके लगे हुए हैं, शादाब के कान में से खून निकल रहा है और उसको कंकशन का था वो फिर बैटिंग करने के लिए गया, कौन के सिचुएशन में है, इनको बाहर अंदर की चीज़ों का नहीं पता होता। वो बाहर की चीज़ों को एनालाइज करके उसको, क्योंकि मैंने भी 3 साल काम किया है, पीटीवी पे बैठता हूँ, बाहर से चीज़ें देख के और हम उसके ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, जब अंदर आएंगे ना तो फिर पता चलेगा कि अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, आप किस तरह टीम को ले कर चलते हैं, टीम की बाउंडिंग कैसे होती है, इन्वायरमेंट कैसे होता है, वो फिर अंदर जब आएंगे तो पता चलेगा। बाहर से गई हुई बात गुजर गई उसके ऊपर कमेंट्स देना, हर कोई कमेंट्स दे देता। क्लैन भाई, ये अभी आपने बात की जो बाबर आजम है वो अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मगर उनके जो है रिकॉर्ड हैं T20 और उसमें, तो दूसरा देखें फखर जमान भी है तो कोई भी एक मैच पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आप समझते हैं कि आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी? देखें, ये सीरीज़ उसकी ये एशिया कप जो है वो उसका इतना अच्छा नहीं रहा, बट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैप्टन, तगड़ा बंदा है वो, उम्मीद है कि वो वापस आएगा स्ट्रॉन्गली। एक बंदा जिसने 12, 14, 13 साल राज किया, विराट कोहली ने, उसने कितनी स्ट्रगल की, कितना, यानी उसके ऊपर लोगों के बातें चलती रही, ये बातें चलती रहती हैं, आई थिंक ये नॉर्मल है और लोग बात करते ही चले जाएंगे, बट आई थिंक मैं इसकी कोई इतनी ना वैल्यू रखता हूँ ना इतनी हैसियत समझता हूँ, अनलेस अनटिल प्लेयर जो है वो अंदर से स्ट्रॉन्ग है, उसका फेथ और बिलीफ तगड़ा है, कॉन्फिडेंट है, मेहनत कर रहा है ग्राउंड में, प्रैक्टिस में, और उसके चलना, उसका बोलना, उसमें स्पार्क है, एनर्जी, आई थिंक दैट्स इनफ। देखें, अब मेरा ख्याल 100% हो गए होंगे, तो ये यानी ये जिंदगी का एक हिस्सा है, और हम रिस्पेक्ट करते हैं जो फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, जो मुहब्बे वतन लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जज्बात के पैमाने में जो है वो हमें तोलते हैं, ये नापते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, बट क्या करें, ये गेम का हिस्सा है। जो मैं यही कहूँगा ना इनको कि यार ये गेम का हिस्सा है, इसको समझना चाहिए, ये इसी तरह ही चलेगा, किसी वक्त आप बहुत अच्छा खेलते, अभी आप देखें इंडिया जो है वो आई थिंक फेवरेट थे, वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं गए, तो ऑन द डे जब आप तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं तो आप किसी भी टीम को कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशली ये शॉर्ट टर्म वर्जन में। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट है, मगर T20 में ऑन द डे कोई किसी वक्त भी किसी को कुछ कर सकता है। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को मैच हराया, कोई सोच सकता था, जो चैंपियन हो रहा है वो अफगानिस्तान ने उसको मारा, तो ये T20 गेम एक अजीब सी है कि इसमें आपकी, मैंने जैसे पहले कहा, छोटी गलती कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आवर कैप्टन ऑब्वियसली आई थिंक द वे एक्चुअली इज ऑपरेटिंग, द वे इज एक्चुअली यूजिंग हिज बॉलर्स, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी।